फिर महामुकाबला इस समय फाइनल मैच के लिए टीम के साथ परिचय लेते हुए सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र जी डूडी शक्ति जी लमोरिया विजेंद्र जी जाएंगे समाज सेवी के रूप में राम सिंह जी धतरवाल ऑफिसर्स के साथ देखे प्रमोद जी अजय जी धरवाल ओम प्रकाश जी जाएंगे बहुत ही शानदार फाइनल मुकाबला चैनपुरा ए और चैनपुरा बी के बीच टीम मैनेजर के रूप में और यहां देखे जगदीश जी लमोरिया समाज सेवी भामाशाह विजेंद्र जी जाएंगे लड़कियों की कुश्ती होगी भाई। लीजिए टॉस के लिए दोनों कप्तान इस वक्त चैनपुरा ए और चैनपुरा बी भामाशाह विजेंद्र जी जांगे भामाशाह जगदीश जी लमोरिया सरपंच प्रतिनिधि निधि विजेंद्र जी ड्यूडी टॉस का शिकाउ छालते हुए इस समय शिकाउ छाल दिया गया और यहां देखते हैं टॉस यहां कहीं ना कहीं हार कर चली गई चैनपुरा टॉस विजेता चैनपुरा बी टॉस विजेता चैनपुरा बी सोइस भाई कोट कोट 20-5 का मुकाबला पहली रेड लेकर चले हैं इस वक्त विजय नरवाल हीरो ऑफ द टूर्नामेंट विजय नरवाल प्रो कबड्डी के स्टार बहुत बेहतरीन झपट्टा मारने की कोशिश स्वाति छैणी लिए जोखिम से बचने की कोशिश आकाश पहली रेड लेकर बहुत बेहतरीन उमदा खिलाड़ी 1100 रुपए नगद प्राइज दिया जाएगा खिचर के तरफ से 100 रुपए विजेंद्र जी जांगिड भामाशाह के रूप में बेहतरीन सेवाएं उनकी और विजेंद्र जी डूडी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में जीतने वाली टीम और उपविजेता टीम को एक एक चांदी का सिक्का राधेश्याम सेंस एंड ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाएगा और यहां पे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए लेकिन शानदार टैकल इस समय सिक्का जीतता हुआ इसमें 1 पॉइंट के रूप में चैनपुरा बी बी एक पे भारी झपट्टा मारने की कोशिश मान मोहसिंह जी बलवदा और मुकेश कादयान टीम मैनेजर के रूप में चैनपुरा टीम के साथ देखते हैं किसकी टीम जीतती है बी टीम के मैनेजर कादयान और वहीं ए टीम के मैनेजर मुकेश जी मोहर सिंह जी बोनस के साथ ओपनिंग अकाउंट आकाश एक बार फिर से फाइनल महामुकाबला श्री हरि राम बाबा कबड्डी प्रतियोगिता 2023 मजबूती से थाम लिया इस बार रेड आउट और ए मजबूत होता हुआ इस समय 2-1 से आगे विजय नरवाल दोनों टीमों को एक एक चांदी का सिक्का राधेश्याम साइंस एंड ज्वेलर्स की तरफ से पिलानी साबू कॉलेज के पास उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा दोनों टीमों को और यहां लीजिए धक्का देकर अरे वाह भाई वाह विजय कमाल कर दिया ये है नरवाल नैसर्गिक अंदाज से आगे बढ़े धक्का देकर दीवार को तोड़ दिया मजबूत चट्टान सामने थी दो के डिफेंस में और दोनों को चीरते हुए धक्का देकर और यहां गलती इस बार चैनपुरा बी के खाते में बहुत बेहतरीन और यहां गलती की है संसार थे रेड पे संसार के सुरमे में पहला पॉइंट कुल मिलाकर छठा अंक इस समय चैनपुरा ए की झोली में कॉर्नर पे अनुराग जबकि मध्यांतर में उनके साथ विजय दाई साइड में संसार विजय नरवाल एक बार फिर से गोवली की इस पावन पवित्र धरा पे फाइनल महामुकाबला कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता टीम के लिए 31,000 उपविजेता के लिए 21,000 साथ में चमचमाती ट्रॉफी सीने को टच किया है जी हाँ 2 पॉइंट यहाँ मिलने चाहिए जी हाँ सफल रन एक और विजय नरवाल के द्वारा और विजय नरवाल हीरो ऑफ द टूर्नामेंट हर मैच में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए टीम को खतरा मंडराने लगा ऑल आउट का। और यहाँ बाहर पुश किया है, जी हाँ ऑल आउट के साथ ही चैनपुराए के खाते में 3 पॉइंट जाते हुए। नहीं दिख रहा है खिलाड़ियों ने, कड़ाके की धूप 20-5-20 का मुकाबला। 31,000 रुपए चैनपुरा भी ने टॉस जीता, लेकिन मजबूत इस समय चैनपुराए। इसके बाद महिला कुश्ती देखना ना बोले, विजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे, 1100। मान चले एक बार फिर बेहतरीन खिलाड़ी आन बान शान बी टीम की, लेकिन यहाँ बहुत मजबूत डिफेंस एक कैच करने का प्रयास, लेकिन पहुंच के सफलता के साथ 1 पॉइंट। एक बार फिर संसार चले हैं, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में, सबसे अनुशासित खिलाड़ी संसार और आकाश कैच कर लिए गए, अनुशासन में ही कैच किया इस बार। स्कोर पहुंचा, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 6 का डिफेंस बोनस 4-10 का। और यहां पे अरे वाह भाई, मौका गंवा दिया। 5-10 का स्कोर इस समय, थोड़ा सा मजबूत 5 अंक की बढ़त, लेकिन शुरुआती समय जयपुर से मोर्ची जी बलोदा के छोटे वाले सुपुत्र चिंटू पहुंचे मैच देखने के लिए। कैच कर लिए गए अंकित को, 6 पॉइंट चंद्रपुरा बी के खाते में। 6-10 आकाश, आकाश चले हैं नीले आसमान के तले रेड लेकर, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी संसार और आकाश बहुत ही अनुशासित। घोषणा की है कि गजानंद टोपड़ा को मेरी तरफ से 1100 रुपए और जो भी टीम ये जीतेगी थैंक यू सो मच 1100 रुपए दिए जाएंगे उनका। धन्यवाद, बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए हैं, कितने खुश नजर आते हुए विजय नरवाल रेड पे। और यहाँ चकमा दिया फिर से गोता लगाते हुए, सफल पॉइंट 11-6 का स्कोर। आकाश एक बार फिर खिली भी धूप, लकड़ी काट बनाई हमने कुर्सी और मेज, अब जाकर किसे कहें धूप है कितनी तेज है। आकाश को बाहर भेज दिया, मौका था लॉबी के माध्यम से, लेकिन थोड़ी सी ढिलाई बरती और जोसर आया था 2 पॉइंट अर्जित करने का, उसे गंवा दिया। विजेंद्र जी डूडी सरपंच प्रतिनिधि लगातार पैर नहीं टिक रहा उनका, बेहतरीन इंसान, 24 घंटे उनके चेहरे पे मुस्कान देखे जा सकते, ऐसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते। समाज सेवी मां इस मैच के बाद कुश्तियां होनी नहीं, चैनपुरा भी बैकफुट पे, इसलिए थोड़ा सा दबाव। भादरा की पहलवान आए हैं फाइनल महामुकाबला इस वक्त, 2 बड़ी टीमें। और यहां अनुराग को बाहर भेज दिया, सही है क्या? विजय नरवाल प्रो कबड्डी स्टार और इस टूर्नामेंट के हीरो स्टार ऑफ द शो विजय नरवाल, इसका कोई जवाब नहीं चंदपुरा बी के पास, और इसलिए खिलाड़ी को लिए बहुत ही शानदार प्लेयर है, विदाउट पॉइंट वापस क्योंकि बढ़त पे और फाइनल मुकाबला, गलतियां नहीं चाहेगा चंदपुराए। और इस समय मंजीत समोता है कॉर्नर पे और सेल्फ आउट यहाँ पे रेडर, हो बड़ी गलती फाइनल मुकाबले में, इस प्रकार की गलती काफी महंगी पड़ती है। उपहार के रूप में 1 पॉइंट दिया फाइनल में, इससे मजबूती और प्रदान हो गई टीम जीतेगी की तरफ से 1100 रुपए का नगद प्राइज दिया जाएगा साथ में, और हवा में ही शिकार किया 13 बहुत ही शानदार 13 का इसको को बताते हमारे लिए 13 के स्कोर में इस वक्त, बीच बीच में जरूर अच्छा खेल रहा है भी, लेकिन ए का पलड़ा मजबूत 10 पॉइंट संसार को छूने के बाद पहुंच गए चैनपुरा बी के खाते में। 9-13 का स्कोर, दोनों टीमों को एक एक चांदी का सिक्का। राधेश्याम सेंस एंड ज्वेलर्स सब कॉलेज पिलानी के पास जो
उनका ऑफिसर उनकी तरफ से दिया जाएगा। जीनी से बिलोंग करते हैं और यहाँ डुबकी में ही दबोच लिया। छकाने की भरपूर कोशिश की थी नरवाल ने, लेकिन इस बार कामयाब नहीं रहे। तीन का डिफेंस वापसी करता हुआ इसमें चैनपुरा भी ऑल आउट का चांस है। यदि ऑल आउट करता तो फिर बढ़त नजर आएगी। साउथ अफ्रीका के पूर्व महान क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन, पूर्व भारतीय कोच गैरी क्रिस्टन के अंदाज में ही नजर आ रहे हैं मान, लेकिन प्रदर्शन कबड्डी में कर रहे हैं। खेल जगत डिफेंडर आए हैं मेन डिफेंडर रेड करने के लिए। मोहित सिंह जी बलोदा लगातार खुश क्योंकि दोनों ही टीमें चैनपुरा की और इसीलिए जीतने वाली टीम को 1100 रुपए दिए जाएंगे मोहित सिंह जी बलोदा की तरफ से। इसके अलावा शानदार लाइव टेलीकास्ट के लिए गजानन दोबड़ा को भी 1100 रुपए मोहित सिंह जी बलोदा की तरफ से थैंक यू सो मच मोटिवेशन के लिए, उपहार देने के लिए। जय जवान जय किसान। सुपर टेकल के संकट में इस वक्त छोने की कोशिश के ये आकाश है। इसी के साथ सी एट आर स्ट्रेटेजी टाइम आउट चैनपुरा भी। स्कोर इस समय 11-13, सिर्फ दो की बढ़त है चैनपुरा ए के पास। काफी संख्या में ऑडियंस है देखियो कि फाइनल महामुकाबला और जीतने वाली टीम को 1100 रुपए प्लस में लाइव टेलीकास्ट के लिए। गजानन दोबड़ा को भी 1100 रुपए मोहित सिंह जी बलोदा की तरफ से थैंक यू सो मच। और देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अपराधियों में डर आमजन में विश्वास। पवन कुमार जी अनुशासन के लिए टकटकी लगावे पूरे टूर्नामेंट पे। फिर से रेड पे चले परिवर्तन के तौर पर, ये इनका पहला रेड। और यहाँ धक्का देकर धकेल दिया, सफल रहे ऑरेंज शर्ट में। और अब पुलकित, संभवतः नाम से जरा वाकिफ नहीं लेकिन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, वापस मैच में लौट चुका है। और यहाँ लीजिए उठा ले जाएंगे तुझे हम बाहों पे, तराजू की तरह मैच तुल गया है भैया। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम। बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हुए इस समय विजेंद्र जी डूडी सरपंच प्रतिनिधि और भमासा के रूप में विजेंद्र जी जांगीर, जगदीश जी लमोरिया, एक से बढ़कर एक समाज सेवी इस गौली की पावन पवित्र धरा पे जन्म लेने वाले, एक महान माँ की कोख से जन्म लेने वाले और निश्चित रूप से हमारी तो ओर से भी उनके लिए शुभकामनाएं दिन दुगना और रात चुगना। उनका बिजनेस और प्रगति यूं ही होती रहे और पूरे देश दुनिया में छाए रहें और अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जीवन यापन करते रहें। ल्यूजकंड की तरह संसार को आउट करार दिया गया। अपोनेंट कोर्ट में जाने के बाद रेड स्टार्ट को बोलते भैया लटकन पॉइंट का दावा कॉर्नर पे। जी हाँ मिल गया पॉइंट फिर से। आकाश एंड कंपनी मजबूत होते हुए 13-16 का स्कोर इस समय चैनपुरा ए और चैनपुरा बी के बीच मुकाबला। दोनों टीमों को एक एक चांदी का सिक्का आराध्य श्याम सेंट ज़ेवियर्स जीनी वाले की तरफ से दिया जाएगा, जिनका कार्यालय साबू कॉलेज के पास बिल्कुल। महेश भाई जांगीर, उन्होंने उपहार के रूप में दो चांदी के सिक्के दोनों टीमों के लिए उपहार स्वरूप। और लीजिए 17-13 का स्कोर इस वक्त। स्ट्रेटेजी टाइम आउट जी जांगीर प्रमोद जी पूरी भूमिका निभाते हुए। देखिए राम सिंह जी धतरवाल मार्किंग के लिए बोल रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है और क्या पैनल लेके आए हैं राष्ट्रीय स्तर के अंपायर, और जितने भी तारीफ करें उतनी कम, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहेंगे। सेवादीर शारीरिक शिक्षक 31 जुलाई को रिटायर हुए थे मोरवा से, लेकिन उनकी नई पारी शुरू हो चुकी है खेलों की दुनिया में। लगातार किसी परिचय के मोहताज नहीं अजय जी नरवाल, कुछ गाइडेंस दोनों टीमों के लिए राम सिंह जी धतरवाल और प्रकाश जी जांगड़े टाइम को लेकर विधायक देते हुए। दूसरा हाफ शुरू,
मामूली बढ़त है इसमें चंद्रप्राय के पास और आकाश है। अरे वो आकाश को चीरते हुए पहुंच गए 15-17 का स्कोर इस वक्त। दोनों टीमों को विजय नरवाल अंतिम खिलाड़ी सम्मान करें। एक और खिलाड़ी है सुपर टेकल में फंस गया है चंद्रप्राय, इसलिए विजय को पॉइंट चाहिए। विजय नरवाल बहुत बड़े स्टार है प्रो कबड्डी के। कॉर्नर पे कैच किया है, जी हाँ बिल्कुल, बोनस अर्जित किया लेकिन एक पॉइंट। अंतिम खिलाड़ी इसलिए आत्मसमर्पण ऑल आउट इसी के साथ चंद्रप्राय ए बी ने हिसाब चुकता कर लिया। 19-18 का स्कोर इस वक्त। रोमांचक होता हुआ मुकाबला, कहना मुश्किल जीत किसकी होगी। चैनपुरा ए और चैनपुरा बी दो मजबूत टीमें आमने सामने, गजब का खेल। और यहां चकमा दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज से डुबकी लगाते हुए, एक पॉइंट बटोर लिया आकाश, बहुत बेहतरीन। 19-19 का स्कोर इस वक्त देखिए, और 20-19 लीजिए। इसी के साथ हाफ टाइम मध्यांतर का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है 19-20, यानी बी टीम के पास एक अंक की मामूली बढ़त। बहुत ही शानदार गणना करते हुए यहाँ पे लगातार स्कोरिंग की जयचंद जी और अपनी टीम के साथ। काफी संख्या में दर्शक में देखिए, वीवो वीआईपी बॉक्स, टाटा वीआईपी बॉक्स, ऑफिशियल्स भामाशाह, चाहे वो श्री विजेंद्र जी जांगिड़ हो या फिर श्री जगदीश जी लमोरिया और सरपंच प्रतिनिधि, इनका तो कहना ही क्या। 5 दिन से इन एक जगह पे नहीं दिखाई दिए हैं, कभी उधर तो कभी इधर, और सफल टूर्नामेंट में इनका योगदान किसी मील के पत्थर से कम नहीं। ये देखिए राम प्रताप जी सैनी बेहतरीन ग्रेट टीचर, और उनके साथ रंगलाल जी मंच की शोभा बढ़ाते हुए। दूसरे आपका खेल शुरू के साथ आकाश पहली रेड पे, दूसरे आपके, क्योंकि पहले आपने अच्छा खेल खेला है और उसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए 19-20 कहते हैं ना के बराबर। मोहन सिंह जी बड़ौदा की तरफ से जो भी टीम जीतेगी उसको 1100 रुपए दिया जाएगा। नहीं दोनों टीम अच्छा प्रदर्शन करे। इसके अलावा लाइव टेलीकास्ट के लिए भी मोहन सिंह जी बड़ौदा द्वारा 1100 रुपए गजानन दोपड़ा को, थैंक यू सो मच। और यहाँ विजय पहुंच गए नरवाल, चकमा देते हुए सुपर डुपर, ये है हीरो स्टार ऑफ द शो। गोली की धरा पे देखिए गजब का खेल खेलते हुए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शायद ही क्रेडिट विजय को ही जाना चाहिए बेस्ट रेडर के रूप में। और यहाँ उड़ान भरी है, अरे वाह, दीवार को फांद गए, दिल जीत लिया देखने वालों का, ऊंची उड़ान। स्कोर लेवल 22-22 देखिए, तराजू की तरह फिर से मैच तुल गया है। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जो 500-500 ग्राम। यहाँ बराबर पलड़े लेकिन विजय को बाहर भेज दिया इस बार। नरवाल नरम दिखाई दिए, हालांकि लॉबी के माध्यम से जाना चाहते थे लेकिन अच्छा कार्य करता हुआ इस समय एक बार फिर से बढ़त है चैनपुरा भी, एक अंक की बढ़त आकाश राइड के ऊपर। बहुत ही शानदार सुंदर चित्रण करते हुए सुशील जी बेनीवाल और भूस करते बाहर तक खेल दिया, संभाल लिया ओम प्रकाश जी जांगिड़ ने समय रहते। 23-23 के स्कोर में इस वक्त अगली बार पूरे अंकित लगाना पड़ेगा, अंकित या फिर मोहित को बता दे। कॉर्नर के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश, दो नंबर पे मान मध्यांतर में टच करने को, सीने को टच किया है, जी हाँ ईमानदारी का परिचय दिया और बटोर लिया एक अंक फिर से। इसको 24-23 देखिए, ए के पास एक अंक की बढ़त, चैनपुरा ए 24, चैनपुरा बी 23। मोहन सिंह जी बलवदा काफी खुश नजर आते और क्यों नहीं, अरे वाह डुबकी लगाई है, मौका था लेकिन छोड़ा नहीं, इस बार पकड़े गए मान। एक बार फिर नासिर हुसैन या फिर कहें गैरी क्रिस्टन के अंदाज में दिखाई दिए मान और पकड़े गए बाहर चले गए। कॉर्नर पे कैच किया है, दबोच लिया, जी हाँ आकाश रेड पे हैं, देखते हैं आखिर 6 के डिफेंस में आकाश है पहुंच जाएंगे, जी हाँ एक और पॉइंट चैनपुरा बी के बाग में।
या फिर लेवल, या तो लेवल है 24-25 है, एक अंक की बचत है बी के पास। बिल्कुल 24 चैनपुरा ए, जबकि बी 25। अच्छा नियंत्रण, चपट्टा मारने की कोशिश। स्कोर दोनों का 25-25 बराबर है। माफ कीजिए, स्कोर लेवल है। क्वार्टर सेंचुरी कम्स अप, कितना कड़ा मुकाबला देखिए। 25-25, एक बार उधर एक बार इधर, कहना मुश्किल जीत किसकी होगी। जो जीता वही सिकंदर, जीत के लिए जंग जारी है। देखते हैं आखिर किसके सर पे ताज होगा। 25-25 का स्कोर है, जो भी टीम जीतेगी उस जीतने वाले की तरफ से 1100 रुपए इनाम देगा। इसके अलावा एक चांदी का सिक्का दोनों टीमों के लिए राधे श्याम सनसेंट जवेंदर से जीनी वालों की तरफ से दिया जाएगा। जहांगीर ने दो चांदी के सिक्के भेजे हैं साबू कॉलेज के पास। 26-25 22 कैरेट शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, हॉलमार्क वाला, विश्वास के साथ है। 26-25 चांदी के सिक्के दोनों टीमों के लिए उपहार के रूप में। और यहाँ पॉइंट का प्रयास, मगर खामोशी सी के साथ सीएटआर स्ट्रेटजी टाइम आउट। लगातार देखे मैनेजमेंट में इन्हीं का योगदान है। सुशील जी, बेनीवाल, राम सिंह जी, धतरवाल, रंगलाल जी और सरपंच प्रतिनिधि, क्या बात है टूर्नामेंट और इस आयोजन को लेकर, क्योंकि इसके बाद कुश्ती दंगल भी होना है, उसी को लेकर यहाँ लगातार मंत्रणा। कमेंटेटर लाइव दिखाने वाले गजानंद जी दामड़ा को भी 1100 रुपए मेहर सिंह जी प्रेता की तरफ से दिए जाएंगे। विजय नरवाल कार्यर जाबिन भामा साहब के लिए कच करने का प्रयास और जाल में फंस गए इस बार। स्कोर लेवल लीजिए नवीन, 26-26 डोडाई 26-26 का स्कोर है। 30 सेकंड में वापिस आना होगा क्योंकि करो मरो की स्थिति। डो डायरेक्ट में चले हैं, कॉर्नर पे कैच किया है, जी हाँ, और अब बी के पास बढ़त है। संसार आकाश बहुत बेहतरीन खिलाड़ी अजय जी, बीपीएड एमपीएड एनआईएस अंकित फिर से दूसरी तरफ, परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती है। क्वालिफाइंग रेफरी उड़ान भरने की कोशिश, मगर इतना आसान नहीं। पांच के डिफेंस में इस वक्त थोड़ा सा दबाव ऑर्डर के ऊपर क्योंकि बोनस ऑफ। इस मैच का निर्णय लास्ट एक मिनट में आएगा, मैं आपको बता दे 27-26 दोनों टीमें बराबर की है। आकाश एक बार फिर फाइनल मैच दूरदर्शन पे आपने सुना होगा। और ये लीजिए फिर से आकाश सफल रहे 27-27 संसार चले हैं इस वक्त 7 नंबर दर्शे में। अच्छा रेड रहा एक नंबर की तरफ, कॉर्नर पे कैच करने की नाकाम कोशिश। 28-27 आकाश एक बार फिर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। दोनों टीमों में देखा जाए तो सबसे युवा यंग स्टार, शाइनिंग स्टार उदयमान उभरते हुए सितारे, और निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत बेहतरीन होना चाहिए कबड्डी की दुनिया में। डी को छूकर वापस विजय नरवाल, दर्शक कहीं नहीं गए। बहुत दो बड़ी टीमें हमारे इस गांव में खेलेंगी, बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके बाद कुश्ती दंगल महिलाओं का देखना ना भूले, जबरदस्त पहलवानों की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। और यहां चकमा देने का प्रयास, मगर पकड़े गए एक बार फिर जाल में फंसे। दूसरी बार असफल रहे विजय नरवाल, लगातार 29-29 के स्कोर में चले हैं। संभवतः नवीन है, तराजू की तरह मैच तुल गया है, कांटे की टक्कर, फंस गए जाल में। 30-29 का स्कोर संसार, 30-29 के स्कोर में संसार झपट्टा मारने की कोशिश। हेड को सिर किया, बिल्कुल जहां से बाल उड़े हुए थे सर से वहां से ही छू लिया, और ये दर्शाया कि कहीं ना कहीं कमजोरी जहां दिखाई दी वहां से ही पॉइंट बटोर लिया। कमजोरी इलाका था फ्लोट, और ये लीजिए साइड में पुश किया, 31-28 अर्जित किया। जय विजय नरवाल, बेस्ट राइडर का खिताब ही नहीं जाना चाहिए, मैच चल रहे कबड्डी के बेस्ट खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए।
हरिराम बाबा की। तीन के डिफेंस में इसमें ए के पास बढ़त मामूली कॉर्नर पे छोया है। अगर आप लोगों का है संग भी 51,000 से लेकर 8 टीमें का प्राइज दिया जाएगा। पुटानिया से मजबूत देवत सिंह जी भी मैच खेलने के लिए आए हैं। कॉर्नर पे और शानदार ब्लॉक किया है, अब छोड़ने का सवाल ही नहीं। 32-28 चार अंकों की बढ़त हो चुकी है और समय कम। ऑल आउट का खतरा, आत्मसमर्पण फिर से इकलौते ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट जाते हुए हिसाब चुकता किया। इससे पहले चैनपुरा बी ने ए को पहले हाफ में ऑल आउट किया था। बेहद रोमांचक मुकाबला, फाइनल ये तो होना ही था। मुकेश जी चैन पर दोनों हाथों में लाटो आज, मुकेश जी चैन पर दोनों टीमें मुकेश की है। झपट्टा मारा है, डुबकी लगाए और पहुंचने का बेहतरीन प्रयास लेकिन चूके। काफी संघर्ष किया था लेकिन डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दिया तालमेल के साथ। जो उसका फायदा व्यवस्था की गई है, विजेता उप विजेता समय व्यतीत करता हूँ पढ़े होने के लिए। मान चले के बाद कुश्तियां होगी, उसके बाद इनाम दिया जाएगा भाई। मान पूरे सम्मान के साथ खेल खेलते हुए बेहतरीन खिलाड़ी, शारीरिक रूप से खामोश रहते हैं लेकिन प्रदर्शन इनका ज्यादा देता है, खामोश नहीं रहता। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, बोनस का प्रयास लेकिन नहीं। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, स्कोर है 5 मिनट में, लास्ट 5 मिनट में 28 विजय नरवाल 37-28 मुसीबत में इसमें चैनपुरा भी। 5 मिनट का मैच शेष है। आकाश सवा 4 बजे जोखिम लेना चाहेंगे क्योंकि मुकाबले में पिछड़ चुका है चैनपुरा भी, इसलिए आवश्यकता रिस्क लेने का। और यहां फंस गए दाल में, 4 बजे एक और पॉइंट चैनपुरा ए के चमन में। डोर डायरेड 30 सेकंड का समय। धन्यवाद अपना अंतिम 4 मिनट से निकालकर फाइनल महामुकाबले में। अंतिम 4 मिनट कॉर्नर पे कैच किया कमाल का, संसार पकड़े गए। स्कोर 29 काफी देर के बाद तब्दील चैनपुरा बी का स्कोर 29-38 का स्कोर। दर्शकों की संख्या काफी संख्या में, अंतिम 4 मिनट का समय है और कॉर्नर पे टच किया लगा रोकने में कामयाब। बहुत बेहतरीन डिफेंस, ब्लॉक भी उतना ही शानदार। मजबूत होता वाप वापसी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 3 मिनट के आसपास समय 39 समय जाया करना स्वाभाविक। खेल चैनपुरा ए जीत की ओर कहीं ना कहीं जीत के आने लगे। दोनों टीमों पर एक चांदी के सिक्के, राधे श्याम साइंस वेलर्स जीनी वाले जो सब कॉलेज के पास कार्यालय उनकी तरफ से दिए जाएंगे। 10 पॉइंट बटोरने में कामयाब, 30 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 9 की बढ़त, अच्छी खासी लीड क्योंकि समय 2 से 2.5 मिनट का समय जाया करना फितरत। मान चले नंबरों की अंकों की लीड है, अगर मान 2 मिनट सवा 2 मिनट के करीब समय है। अंतिम 2 मिनट शेष दोस्तों, रोमांच देखे 2 मिनट का, जोखिम की जरूरत है। झपट्टा मारा, संसार को बाहर भेज दिया, बिल्कुल सही डिसीजन प्रमोद जी और उनके साथ वहां पर काफी जाएंगे। जबकि सामने वाले छोर पे राष्ट्रीय कोच NIS अजय जी नरवाल और सफलता मिली 40-31 और लीजिए इसी के साथ हार स्वीकार किया और बच गए सीटे। खेल खत्म यहां पे और मुकाबला चैनपुरा ए ने जीत लिया। बधाई देते हुए एक दूसरे को, चैनपुरा बी उप विजेता, चैनपुरा ए विजेता और स्टार ऑफ द शो विजय नरवाल हीरो, गजब का खेल खेला। मुकेश जी कादियान चैनपुरा से खुश नजर आते हुए क्योंकि उनकी टीम जीत चुकी है, दोनों टीमें टीम मैनेजर। तो आखिर फाइनल मुकाबला चैनपुरा ए टीम ने जीत लिया, बी टीम उपविजेता रही।
और सरपंच प्रतिनिधि समय देखिए खुश नजर आते हुए बड़े भाई गांव से सम्मानित मंच राम सिंह जी धतरवाल सफल आयोजन के लिए बहुत बेहतरीन ग्रेट सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक मोहर सिंह जी बलवद्दा की तरफ से जीतने वाली टीम को 1100 रुपये का उपहार इसके साथ है लाइव टेलीकास्ट के लिए कपड़ा को भी 1100 रुपये का उपहार बधाई देते हुए इस एक दूसरे को क्योंकि चैनपुरा की टीम जीत चुकी है अभी टीम उपविजेता रही को वापिस से स्टूडियो ले चलते हैं की पावन पवित्र तथा से श्री हरिराम बाबा कबड्डी प्रतियोगिता 2023 में आपको वापिस ले चलते हैं हैव ए ग्रेट डे बाय बाय इस प्रकार से चैनपुरा की टीम विजेता रही दूसरी टीम उपविजेता रही क्या करना चाहेंगे चैनपुरा एक ही टीम विजेता रही है बहुत बहुत बधाई हो इस टीम को बहुत अच्छी मेहनत की है खेल को खेल की भावना से खेला है इसी प्रकार से खेलते रहना चाहिए और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा बहुत ही बड़ा आयोजन करवाया जाएगा इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत रहेगी और सबको हार्दिक शुभकामनाएं ये थे बिल्कुल विजेता टीम को 1100 रुपए इसके अलावा लाइव टेलीकास्ट के लिए गजानन दोबड़ा मेरे स्वयं को भी 1100 रुपए मोहर सिंह जी बलौदा की तरफ से तो थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन मोहर सिंह जी बलौदा ठेकेदार चैनपुरा से दोनों टीमों को जिताने के बाद काफी खुश नजर आते हो क्योंकि एक टीम विजेता एक उपविजेता और साथ में देखिए मुकेश जी कादियान चैनपुरा से तमाम सम्मानित लोग थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट डे और ये देखिए इस समय नागरमल जी के द्वारा 1100 रुपये लाइव टेलीकास्ट के लिए मुझे गजानन दोबड़ा को दिए जा रहे हैं थैंक यू सो मच नागर जी